हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे प्यारे का जन्म उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आने वाला है। कृष्ण प्रेमियों के लिए ये साल का बहुत बड़ा त्योहार है। एक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से 1000 एकादशी करने जितना फल मिलता है। भक्तों को कुछ कंफ्यूजन रहती है, कैसे व्रत करें, क्या करें, ये करें या ना करें, तो आज इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड भक्तों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। एक जयकारा, बलवान के बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। एक प्रश्न आया है, क्या जन्माष्टमी पर तुलसी तोड़ सकते हैं? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अलग वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए। याद रखना, किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ते। तुलसी पूजा तो करते हैं, तुलसी में दीपदान आरती प्रार्थना करेंगे, पर तोड़ेंगे नहीं। एक प्रश्न, जन्माष्टमी में रात को आरती के समय कौन सी आरती करें? तो देखो, ये पूरी तरह से भक्तों पर है। वो चाहे तो बालकृष्ण या लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आरती आ रही है, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हो। कई लोग बिहारी जी की आरती करते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। पूरी तरह आपकी इच्छा है, आपका भाव है। लोग पूछते हैं कि क्या कान्हा जी को सुबह और शाम दोनों टाइम पंचामृत स्नान करवाएं, क्या दोनों समय नई पोशाक धारण करवाएं? तो उत्तर है, देखो शास्त्रों में रात को पंचामृत स्नान का विधान बताया गया है, पर भाव में कई लोग दिन में स्नान कराते हैं। अब ये साधक के ऊपर है कि वो दोनों समय स्नान करवाए या सिर्फ रात को करवाए या सिर्फ दिन को करवाए। इसी तरह दोनों समय नई पोशाक धारण करवाना है या नहीं करवाना, ये भी साधक की इच्छा है। हम लोग पर्सनली ठाकुर जी का स्नान सुबह करवाते हैं, पर पोशाक, नई पोशाक दोनों समय धारण करवाते हैं। अच्छा, इसी में एक प्रश्न और लोग पूछते हैं कि झूले पर दिन में ही बिठा दे या रात को जन्म होने के बाद झूले पर बिठाए? तो देखो, ये भी आपका भाव है। हम कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे हैं, मीन्स बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए इसे याद करके भाव आता है। लाला छोटा है और उन्हें झूला झुलाए। बाकी जो लोग इसी साल कृष्ण जन्माष्टमी पर लाला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो रात को जन्म के बाद ही झूले पे बिठाए, बाकी भक्त दिन में ही बिठा सकते हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या लाला को झूले पर ही सुलाएं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। झूले पर थोड़ी देर बैठना उचित है, पर बैठे ही रहना और फिर उसी पर सो जाना बिल्कुल आरामदायक नहीं होता। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि झूला कैसा है। अगर पालने वाला झूला है तो उसमें तो सुलाया जा सकता है, पर अगर सिंहासन वाला झूला है तो उसमें बिल्कुल नहीं सुनाना। अब अगला प्रश्न आया है, हम रात को भगवान की पूजा करके खाना खा लेते, क्या ये गलत है? उत्तर है नहीं, गलत नहीं है। ये साधक की अपनी इच्छा है कि वो अपने व्रत का पारण कब करे। पूजा आरती करके प्रसाद बांटने के बाद अगर आप चाहो तो फलहार, मतलब फूटू सिंघाड़े के आटे से बना फलहार ले सकते हो, पर ये याद रखना, खाना खाने से पहले चंद्रमा को जल से अर्घ जरूर देना, उसके बाद ही खाना खाना। साथ ही बताना चाहूंगी कि ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन आता है कि हमें अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब अपना व्रत खोलना चाहिए। एक और चीज याद रखना, किसी भी हालात में कृष्ण जन्माष्टमी पर अन्न ना खाएं, रात को प्रसाद में भी नहीं। अन्न पारण यानी व्रत खोलने का जो समय बताया है उसी समय में खाएं। अगला प्रश्न है, क्या कान्हा जी को रात को अभिषेक करने के बाद सुलाना है या झूले पर ही बिठा कर रखना है? देखो, कान्हा जी को रात को अभिषेक करने के बाद बढ़िया नई पोशाक हमने जो धारण कराई है, उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, मंगल गीत गाएंगे, फिर उन्हें हम सुला देंगे। सुलाने के लिए रोज की तरह उनकी पोशाक उतार कर हल्की पोशाक या नाइट सूट पहनाएंगे, फिर उन्हें बेड पर सुलाएंगे। एक प्रश्न, ये हर साल क्यों किया जाता है? हर साल केक काटकर कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है, पर हर साल खीरे से जन्म करवाना, देव की माँ का प्रसूति ग्रह बनाना, ऐसा क्यों करते हैं? देखो समझो, ये एक आम बच्चे का जन्म नहीं है, श्री कृष्ण का जन्म है। हर साल उनकी लीला को याद करना, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम कृष्ण जन्म अध्याय पढ़ते हैं, उसी से हमें बहुत पुण्य मिलता है।
फिर कृष्ण लीला को याद करना, झांकी बनाना, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बनाना, ये तो समझो कितना ही अनंत पुण्य देने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को व्रत राज की संज्ञा मिला है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से हमें 1000 एकादशी व्रत करने जितना फल मिलता है। अब खुद सोच लो कितना पावन और फलकारी है ये। ये बहुत बड़ा समय होता है, खीरे से भगवान का जन्म करवाना, माँ का प्रसूति ग्रह बनाना, कृष्ण लीला की झांकी बनाना, भगवान को रात को अभिषेक करना, ये सब महान कर्म होते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये आप हर साल करते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि देखो प्रभु का जन्म होने वाला है और आपको सेवा का मौका मिला है? आप ये सोचो कि आप सच्ची में नंद भवन में हो, यशोदा माँ की सेवा कर रहे हो, बच्चे के जन्म के बाद उसे नहलाना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है और ये सेवा का काम आपको मिला है। एक भाव से अभिषेक करने का विधान है ना? अब ये सोचो जो हम सांसारिक लोग हैं, वो भी जैसे किसी की वो सिल्वर एनिवर्सरी होती है, 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह, वो भी वो किस तरह शादी की तरह ही बनाते हैं, माला पलटते हैं, अपने शादी वाले समय को याद करते हैं, है ना? ये तो देखो सांसारिक रीत है। यही अगर हम अपने जगत के पालनहारे के जन्म का समय याद करते हैं, उस समय को दोबारा जीने का हमें मौका मिल रहा है, तो उसी अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है? नहीं, सिर्फ एक केक काट के क्या आनंद आएगा, आप खुद बताओ। वो क्या हम पल उन लीलाओं को दोबारा याद कर पाएंगे? इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमें अपने पूरे भाव के साथ मनानी चाहिए। अगला प्रश्न आया है, मैंने सुना है कि कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर छठी तक कान्हा जी को अन्न का भोग नहीं लगाते, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखो इस रीत का मतलब समझो पहले। जैसे हमारे सांसारिक में, मतलब हमारी गृहस्थी में, जब बच्चों का जन्म होता है तो माँ को अन्न नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका शरीर, दांत सब कमजोर होते हैं, वो चू नहीं कर सकती। पहले समय में क्या होता था, ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती थी, वो भी किसी बिना मेडिकल हेल्प के, है ना? ऐसे समय में माँ को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। उस समय बच्चा पैदे करने वाली स्त्रियों का डेथ रेट भी बहुत हाई होता था, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियां बच्चा पैदा करते हुए ही अपनी जान खोती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को अन्न नहीं देने का जो नियम आपने अपनी दादियों नानियों से सुना है, क्योंकि उस समय उनका शरीर कमजोर होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। नई मदर को सिर्फ फ्रूट दिए जाते थे, गुड़ की पात, मतलब गुड़ के पानी में ड्राई फ्रूट और देसी घी डाल के दिया जाता था। नई मदर उस लिक्विड को पीती थी, इससे ड्राई फ्रूट और घी उसे ताकत देते थे और गुड़ उसकी बॉडी को क्लीन करने में, उसको वापस नॉर्मल शेप में आने में हेल्प करती थी। साथ ही मदर को अजवाइन और जीरे का पानी भी दिया जाता था, ताकि इंटरनल बॉडी क्लीन हो जाए, क्योंकि देखो न्यू मदर को बेबी फीड भी करवाना होता है। कहने का मतलब है ये सारा प्रोसेस नई मदर के लिए था, बेबी के लिए नहीं। छठी पर माँ को खाना दिया जाता था, मींस अन्न दिया जाता था, और ये माना जाता था कि अब माँ के दूध में एक्स्ट्रा पावर आएगी, क्योंकि वो अन्न खा रही है। तभी आपने कहा भी किसी सुनी होगी ना कि जब लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं छठी का दूध पिया है तो सामने आ जा, मतलब अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पावर है तो सामने आओ, है ना? अब इस रीति को फॉलो करते हुए हम कान्हा जी को अन्न का भोग ना लगाएं, ये तो देखो सही नहीं है। जिन्होंने जन्माष्टमी वाले दिन ही अपने कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, उनके मन में ये भाव हो सकता है कि भाई हमारे लाला बहुत छोटे हैं, बहुत वीक है, वो अन्न को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये भाव मैं मान सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ, साधक का कितना प्रेम भाव है। पर हम लोग जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर सिर्फ उनकी लीला को याद कर रहे हैं, वो भोग ना लगाए, ये सही नहीं है। अगर किसी के फिर भी मन में यही भाव आता है, वो इस प्रथा को करना ही चाहता है, तो साधक खुद भी छठी तक अन्न ना खाए, क्योंकि कृष्ण प्रेमी क्या कहता है, जो मेरे कान्हा खाएंगे वही मैं खाऊंगा, है ना? तो जो आप कान्हा को भोग लगाओगे वही फिर आप खाना। अच्छा, इस चीज को एक और बात से समझो, सिर्फ खाने का नियम क्यों रखते हो? बच्चे को छठी तक नए कपड़े भी नहीं पहनाते, पर हम तो कान्हा जी को सुबह और शाम दोनों टाइम नए कपड़े पहना रहे हैं, फिर सिर्फ खाने का परहेज क्यों? सोचो और विचार करो। इसी में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि छठी पूजन तक कान्हा जी को नहलाया भी नहीं जाता, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। खुद सोचो कान्हा जी बिना नहाए इतने समय तक कैसे रहेंगे, जबकि वो खुद हमें
स्वच्छता के लिए कहते हैं, है ना। धैर्य एक बहुत अच्छी बात कहता है कि कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव इतना अच्छा होता है कि वो पूरे साल इसका इंतजार करता है कि कब कान्हा जी का बर्थडे आएगा। उसे पूछो तो वो कहता है कि मैं अपने लिए नहीं कान्हा जी के बर्थडे का वेट कर रहा हूं। कान्हा जी की लीला को याद करना, उत्सव बनाना, ये सब हमारे कान्हा को खुश करने के लिए करते हैं, है ना। अरे भाई, कान्हा जी जगत के पालनहार का जन्म हुआ है, नंद भवन में धूम है, वहां तो जो जा रहा है खूब पा रहा है। ऐसे में 56 भोग या 108 भोग लगाओ, बढ़िया, कान्हा जी को भी आनंद आए, है ना। तो कुछ ऐसा एक्साइटेड करो, ये पुरानी रीति है जो संसारिक उसमें चल रही है, जिनको आजकल लेडीज भी फॉलो नहीं करते, वो कान्हा जी के लिए मत रखो। एक प्रश्न आया, क्या कान्हा जी का भी व्रत है, उन्हें क्या भोग लगाए? नहीं, कान्हा जी का व्रत बिल्कुल नहीं होता, उनका जन्मोत्सव है, उन्हें बढ़िया भोग लगाए। कई लोग 56 या 108 चीजों का भोग लगाते हैं, इसलिए आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, जितना उत्तम से उत्तम भोग लगा सकते हो वो लगाओ। एक प्रश्न, क्या जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी को 2 बार स्नान करवाना है? जी, कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा जी को 2 बार ही स्नान करना चाहिए। पहली बार तो सुबह जब आप उन्हें तैयार करोगे, तब चाहो तो प्लेन वाटर से स्नान करवा सकते हो, फिर जब अभिषेक करोगे। शास्त्रों के अनुसार रात को 12 बजे जन्म के बाद अभिषेक करने का विधान बताया गया है, या श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो राधा रमन लाल जी की सेवा करते थे, उनकी रीति के अनुसार दिन में 12 बजे हम स्नान करवा सकते हैं। तो ये हर भक्त की अपनी इच्छा और उसका भाव है, पर कान्हा जी का स्नान 2 बार ही होता है। एक प्रश्न आया कि व्रत कैसे करें? देखो, ये पूरी तरह साधक के ऊपर है। शास्त्रों में व्रत का जो विधान, वो निर्जल व्रत का बताया गया है, बट जैसा कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान नहीं है, तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है। इस व्रत में रात को 12 बजे से पहले फलहार भी नहीं किया जाता है। फलहार मतलब कुटू सिंघाड़े के आटा का जो खाना होता है, वो भी हम रात को 12 बजे के बाद खाते हैं। बट कई लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या पूरे दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते, वो दूध पी के, फ्रूट खा के व्रत को कर सकते हैं, पूरी तरह आपके ऊपर है। उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि दिन में 12 बजे तक तो बिल्कुल पानी भी ना पिए, और उसके बाद ही चाहे आप दूध ले लो, लस्सी ले लो, जूस ले लो, फ्रूट वगैरह ले लो, ये आलू ले लो, इस तरह की चीजों से अपना व्रत को कर सकते हो। एक प्रश्न कि व्रत कैसे खोले? देखो, व्रत खोलने के लिए आप पहले चंद्रमा को अर्घ दें, फिर धनिये की बर्फी से व्रत खोले। मतलब सबसे पहले थोड़ी सी धनिये की बर्फी खाएं और चरणामृत लें, फिर अगर आप चाहो तो फलहार ले सकते हो। एक भक्त ने प्रश्न किया कि कृष्ण जन्मोत्सव जिस दिन रात को भगवान का जन्म हो जाए, उसके अगले दिन बनाना चाहिए, क्योंकि जब व्रत करते हैं तब तक तो जन्म ही नहीं हुआ। अष्टमी की रात जन्म हुआ तो नवमी का व्रत और उत्सव करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है। पहली चीज, हम व्रत मां देवकी के लिए कर रहे हैं, उन्हें बालक होने वाला है, वो दर्द में है, इसलिए हम व्रत करते हैं, सब कुछ बढ़िया जल्दी से ठीक ठाक हो जाए। दूसरी बात, जगत के पालनहार आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत कुछ स्पेशल करके करना है। तीसरी बात, कृष्ण जन्म के बाद अगले दिन हम नंद उत्सव तो मनाते ही हैं, सोहड़ गीत भी गाते हैं, उस समय व्रत कैसे करेंगे? वो तो उत्सव का समय होता है, नाचने गाने का समय होता है, हमारे लाला आए हैं, है ना, तो वो तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो नवमी को हम उत्सव बनाते हैं और अष्टमी को व्रत रखते हैं। एक प्रश्न, हमारे घर में श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, हम माँ काली के भक्त हैं, तो क्या कृष्ण जन्म उत्सव बनवाएं? अगर हाँ तो कैसे? देखो, पहले बता चुकी हूँ, भगवान के रूप अनेक, पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है, इसलिए अपने आराध्य कोई भी हो, हमें हर बड़े व्रत त्योहार मनाने ही चाहिए। हम भी कृष्ण प्रेमी है, बट नवरात्रि के व्रत भी करते हैं, शिवरात्रि का भी करते हैं, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी साल के सबसे बड़े त्योहारों में आती है। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपके घर में श्री कृष्ण का विग्रह है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप उनकी फोटो रख कर उसकी पूजा कर सकते हो, पर उनका विग्रह सिर्फ जन्माष्टमी के लिए लाओ और फिर उसका विसर्जन कर दो या पूजा ना करो तो वो सही नहीं है। इसलिए आप एक बढ़िया फोटो ले आए और उसका पूजन करके कृष्ण जन्माष्टमी बनाए। आप चाहें तो अपनी सेवा किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, अगर आपको घर में कुछ नहीं करना तो, ठीक है।
अब इसी में एक अगला प्रश्न है कि फोटो का अभिषेक कैसे करें। देखो, फोटो का अभिषेक हम छीटे लगा के करते हैं, बढ़िया पंचामृत बनाते हैं, उसके बाद मानसिक रूप से कृष्ण जी का अभिषेक करते हैं। मन में सोचो, कान्हा जी आपके सामने बैठे हैं, आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा रहे हो, बढ़िया गंगा जल डाल रहे हो, उन्हें इत्र लगा रहे हो। इस तरह आप उनकी सेवा, पूजा, श्रृंगार मानसिक रूप से कर सकते हो। उसके बाद जो पंचामृत आपने बनाया है वो प्रसाद हो जाता है, उसे सब में बांट कर पिया जाता है। एक अगला प्रश्न आया, क्या भोग सेवा भी मानसिक रूप में कर सकते हैं? देखो, नहीं, भोग सेवा भी आप मानसिक रूप से कर सकते हो, पर उत्तम रहेगा अगर प्रसाद पंचामृत खुद बनाओ, क्योंकि देखो शिव विग्रह नहीं है आपका, इसलिए आपने मानसिक रूप से उन्हें पंचामृत स्नान करवा दिया। अगर शिव विग्रह होता, ठाकुर जी का विग्रह होता, तो थोड़ी ना आप उनको मानसिक रूप से पंचामृत स्नान कराते, तो उनका श्रृंगार करवाते। अब आपके पास फोटो सेवा है या आपके पास विग्रह है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है यार, आप मानसिक रूप से उनको पंचामृत स्नान करा दो, पर भोग के लिए तो आपके पास फोटो है ना, है ना, इसलिए वास्तविक रूप से आप प्रसाद बनाओ, जो फोटो आपके पास है उसको भोग लगाओ, आप उनकी पूजा करो, ये सबसे उत्तम रहेगा। एक प्रश्न, जो कान्हा जी को 56 या 108 चीजों का भोग लगाते हैं उसका क्या करेंगे, या पंचामृत का क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न है। तो देखो, जो भोग पंचामृत ये सब प्रसाद होता है, इसे प्रेम से सब भक्तों में बांटे और फिर बाद में खुद भी ग्रहण करें। एक प्रश्न आया, क्या लड्डू गोपाल के साथ युगल जोड़ी को भी स्नान करवाना है या युगल जोड़ी को भी झूले पे बिठाना है? तो देखो, अगर आप लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी दोनों की सेवा कर रहे हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी इच्छा और भाव के अनुरूप स्वयं दें। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मुख्य रूप से लड्डू गोपाल के लिए है, इसी तरह जो सावन में का महीना होता है, झूलन यात्रा होती है, वो मुख्य रूप से युगल सरकार के लिए होती है। सावन में हिंडोला उत्सव जो हम करते हैं वो युगल सरकार के लिए करते हैं। सावन में लड्डू गोपाल को झूले पे हम नहीं बिठाते हैं, तो इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी पे अच्छा है कि आप लड्डू गोपाल का करें। कोई है जिसके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, सिर्फ युगल सरकार की है, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी पे अपने युगल सरकार का अभिषेक करें, उन्हें झूले पे बिठाए, ठीक है। पर जिनके पास दोनों है, वो पूरी तरह साधक की चर्चा है, तो वो दोनों का अभिषेक करे, दोनों को झूले पे बिठाए, या खाली लड्डू गोपाल का करे, पूरी तरह उनकी इच्छा है। हम पर्सनली सावन में जो हिंडोला उत्सव मनाते हैं वो युगल सरकार के साथ, और कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ लड्डू गोपाल के अभिषेक और उनके झूले पे बिठाने के साथ ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ठाकुर जी के स्नान से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखो, जब आप किसी पात्र में थोड़ा सा जल डाल के उसमें कान्हा जी को स्नान के लिए बिठाते हो, तो ध्यान रखना नीचे बर्तन में जो जल होता है उसे कान्हा जी पे नहीं डालते, उन्हें ऊपर से शंख या लोटे से जल डालकर स्नान करवाते हैं। कई लोग मैंने देखा है परात में जल रखा होता है, उसके अंदर ठाकुर जी को बिठाया और ऐसे ऐसे करके उनको नहरा रहे होते हैं, ये गलत होता है। अगर आप पंचामृत के साथ चंदन आदि से भी कान्हा जी को स्नान करवा रहे हो, तो याद रखना सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाना, फिर उस पंचामृत को किसी और बर्तन में निकाल लेना, क्योंकि वो प्रसाद होता है, पांच चीजों का अमृत है, उसे भक्तों में बांटना होता है। चंदन के साथ क्या परेशानी है, वो असली नहीं मिलता है, ज्यादातर सभी डिब्बी वाला या लकड़ी वाला यूज करते हैं, उसे खाना नहीं चाहिए, इसलिए चंदन से स्नान के बाद उस जल, जो चंदन वाला जल होगा, उसे घर में छींटे दे देंगे पूरे या पौधों में डाल देंगे, बट उसको उसका पान नहीं किया जाता है। एक और बात, पंचामृत स्नान से पहले एक और बात ध्यान रखना, अगर अपने कान्हा जी को किसी भी कलर से श्रृंगार जैसे करते हैं रंग लगाकर, उसे भी पहले साफ पानी से उतार ले, फिर पंचामृत स्नान करवाए। देखो, कहने का मतलब है जो पंचामृत होता है ना, वो महान अमृत है, मतलब उसको हमें कुछ भी करके खराब नहीं होने देना, वरना क्या होता है, कलर मिलने से या चंदन मिलने से दूध फट जाता है और प्रसाद खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आया है, क्या झूला रात को जन्म होने के बाद ही डाले? देखो, इसका उत्तर बिल्कुल आपकी मर्जी है कैसे करना है, पर ऐसा कम ही होता है। कृष्ण जन्म उत्सव है, इसलिए झूला सुबह ही डाल लेते हैं। आप अपने आसपास मंदिरों में देखो, वहां सुबह से ही कान्हा जी को झूले पे विराजित किया जाता है। एक प्रश्न आया, भोग में क्या क्या लगाएं? देखो, ये बिल्कुल साधक की इच्छा है, बढ़िया से बढ़िया भोग लगाओ,
बिल्कुल पूरी आपकी इच्छा है। अगर आप 56 या 108 भोग लगाते हो तो उसकी तैयारी आप 2-3 दिन पहले से कर सकते हो, क्योंकि उसी दिन सारी चीजें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे 56 भोग में हम मठरी बनाते हैं जो सूखी चीजें होती है, उसको हम 1-2 दिन पहले, क्योंकि वो खराब नहीं होती है, लड्डू हो गए इस तरह की जो चीजें होती है वो खराब नहीं होती, तो उसको 1-2 दिन पहले बना लेते हैं। जो उसी दिन बनाने की चीजें हैं जैसे सब्जियां हो गई, हलवा हो गया, वो उसी दिन बनाते हैं और तब भोग लगाते हैं। तो इस तरह 56 और 108 चीजें आप पहले से नोट करके प्लान करके उस तरह से भोग लगा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मैं इतना तो नहीं करूंगी, तो फिर आप अपने मन के अनुरूप जैसा आपको खट्टा मीठा जिस चीज का भोग लगाने का मन करे उस चीज का भोग लगाओ। बस याद रखना भादों में दही नहीं खाई जाती है, इसलिए दही का भोग नहीं लगाना। एक प्रश्न आया, अगर भोग में दही नहीं लगाना तो फिर पंचामृत में दही क्यों डालते हैं? तो देखो वो पंचामृत है, मतलब 5 चीजों का अमृत। वैसे अगर आप आयुर्वेद को देखोगे तो वो कहेंगे दूध और दही अपोजिट है, मतलब दोनों का आपस में मेल नहीं है। आपने भी अपने बड़े से सुना होगा कि अगर दही खाया है तो दूध मत पियो, पर इसमें पंचामृत में हम सब मिलाते हैं। ये दर्शाता है कि कान्हा जी के सामने गलत सही सब पूरी तरह समर्पित है और प्रभु शरण में आने वाला हर कोई अमृत रूप हो जाता है। इसलिए ही कहते हैं भक्त में नम्रता होना जरूरी है ना। अब अंत में मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी होगी। भक्तों के प्रश्नों से आपको भी अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। और अगर अभी भी आपके पास कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमें लिखना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।